मसीह में मेरे आदरणीयों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम है सिलू। मैं आपको इस संदेश में हार्दिक स्वागत करता हूँ। लूका 22 अध्याय का 19 और 20 आयत में यीशु ने हमें अपनी मौत का दिन मनाने की आज्ञा दी थी, ना कि अपने जन्म का दिन मनाने की। जब यीशु धरती पर था और उसके बाद भी उसके प्रेरितों और शिष्यों ने कभी क्रिसमस नहीं मनाया। द न्यू कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया कहती है, सन 243 के बाद ही क्रिसमस मनाना शुरू हुआ। इस वक्त तक यीशु के आखिरी प्रेरित की मौत को 100 साल से भी ज्यादा साल बीत चुके थे। इस बात का कहीं पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, और बाइबल भी यीशु के जन्म की कोई तारीख नहीं देती। क्रिसमस को परमेश्वर मंजूरी नहीं करता, क्योंकि इस त्यौहार की शुरुआत ऐसे धर्मों से हुई है जो यहोवा परमेश्वर यीशु को नहीं मानते थे। बहुत से लोग जानते हैं क्रिसमस की शुरुआत झूठे धर्मों से हुई है और बाइबल इसे मनाने का बढ़ावा नहीं देती, फिर भी लोग इसे मनाते हैं। ऐसे लोग शायद खुद से कहें कि जब सारी दुनिया क्रिसमस मना रही है तो हमें क्या पड़ी है कि हम सबसे अलग देखें। बाइबल बढ़ावा देती है कि हम अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें। रोमियो की किताब 12 अध्याय का 1 और 2 आयत में ये हमें सिखाती है कि सच्चाई के मुताबिक चलना बहुत जरूरी है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मगर फिर भी हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम बाइबल के मुताबिक जिएं, फिर चाहे लोग हमें थोड़ा अलग समझें। हालांकि हम क्रिसमस नहीं मनाते, मगर जब दूसरे मनाते हैं तो हम उनके फैसले की निंदा भी नहीं करते। हर इंसान को अपने लिए फैसले करने का हक है, और हम इस बात की कदर करते हैं। जब दूसरे क्रिसमस मनाते हैं तो हम उनमें दखलंदाजी नहीं करते। यीशु का जन्म कब हुआ था? बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। मसीह के जन्म की सही तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाइबल सीधे सीधे ये नहीं बताती कि यीशु का जन्म कब हुआ था, लेकिन ये उसके जन्म के समय हुई दो घटनाओं का ब्योरा देती है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। यीशु के जन्म के कुछ समय पहले सम्राट अगस्तुस ने ये फरमान जारी किया कि उसके साम्राज्य के सब लोग अपना अपना नाम दर्ज कराएं। सभी लोगों को अपने अपने शहर में नाम लिखवाने के लिए जाना था, जिसका मतलब था कि उन्हें शायद एक हफ्ते या उससे ज़्यादा समय का सफर तय करना पड़ता, जैसा लूका 2 अध्याय का 1 आयत से 3 आयत कहता है। ये फरमान शायद कर असूलने और लोगों को सेना में भर्ती कराने के इरादे से जारी किया गया था। इस फरमान के मुताबिक काम करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर चाहे वह साल का कोई भी समय हो। खासकर ठंड के मौसम में अगर उन्हें नाम दर्ज कराने के लिए भेजा जाता, तब तो वे सम्राट पर और भी भड़क उठते, क्योंकि कई लोगों को कड़ाके की ठंड में लंबा सफर तय करना पड़ता। इस वजह से ये मुमकिन नहीं लगता कि अगस्तुस ने कड़ाके की सर्दी में लोगों को नाम दर्ज कराने के लिए मजबूर किया हो। लूका 2 अध्याय का 8 आयत के अनुसार चरवाहे मैदानों में रहकर रात को अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। पसाह के एक हफ्ते पहले यानी करीब मार्च के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य तक भेड़ों के झुंड खुले मैदान में रहते थे, पर ठंड के मौसम में सर्दियों के दौरान वे अंदर ही रहते थे। और इसी एक बात से देखा जा सकता है कि सर्दियों में क्रिसमस की पारंपरिक तारीख गलत है, क्योंकि मत्ती मार्कुस लूका और यूहन्ना में लिखा है कि चरवाहे मैदानों में अपने झुंडों के साथ थे। यीशु की मौत
ईस्वी सन 33 के वसंत में निशान 14 को यानी फसा के दिन हुई थी। अगर हम इस तारीख से उल्टा गिने तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जन्म कब हुआ होगा। योहन्ना 19 अध्याय का 14 और 26 आयत। यीशु ने जब अपने 3.5 साल का प्रचार काम शुरू किया तब वह करीब 30 साल का था, इसीलिए उसका जन्म ईसा पूर्व 2 को पतझड़ के मौसम की शुरुआत में हुआ होगा। लूका 3 अध्याय का 23 आयत के मुताबिक इसका कोई सबूत नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। तो फिर इसी तारीख को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहती है कि चर्च के अगुओं ने ये तारीख शायद इसीलिए चुनी ताकि ये उस तारीख से मेल खा सके जब गैर ईसाई रोमी लोग सर्दियों के अंत में अजय सूर्य का जन्मदिन मानते थे। दी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका के मुताबिक कई विद्वान मानते हैं कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि मसीह धर्म अपनाने वाले गैर ईसाइयों को मसीह धर्म ज्यादा आकर्षक लगे। क्रिसमस ट्री क्या है? इसकी शुरुआत कब से और कहां से हुई? क्या बाइबल में हमें क्रिसमस ट्री के बारे में बताया गया है? क्या बाइबल हमें क्रिसमस ट्री सजाने की और घर में रखने की आज्ञा देती है? क्रिसमस ट्री मूर्ति पूजकों के पेड़ की आराधना से आरंभ हुआ। जैसे आज भी गैर ईसाइयों में पेड़ों की पूजा व आराधना की जाती है, जैसे पीपल, बरगद, तुलसी आदि, इन पेड़ों को आज भी पवित्र माना जाता है। उस समय जिन पेड़ों की पूजा की जाती थी उसे क्रिसमस ट्री का नाम दिया गया और क्रिसमस ट्री में बदल दिया गया, तभी से क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई। आजकल ईसाइयों में क्रिसमस पर अधिकतर हर घर में क्रिसमस ट्री मिलेगा, छोटा हो या बड़ा मिलेगा जरूर। क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, बहुत खुशियों और आनंद के साथ सजाया जाता है। हाडिल ट्री के नाम से जाना जाने वाला ये पेड़ अब क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका आधार ये है कि फर वृक्ष की तरह ये सदाबहार वृक्ष भी बर्फीला सर्दियों में भी हरे भरे रहते हैं। इस वृक्ष को पवित्र माना जाता था। इसी धारण से सोमन बासी सूर्य भगवान के सम्मान में मनाए जाने वाले साटरनालिया पर्व में चीड़ के वृक्ष को सजाते थे। यूरोप के अन्य भागों में हंसी खुशी के विभिन्न अवसरों पर भी वृक्षों को सजाने की प्राचीन परंपरा थी। इंग्लैंड और फ्रांस के लोग ओक के वृक्ष को फसलों के देवता के सम्मान में फूलों तथा मोमबत्तियों से सजाते थे। अब यहाँ ध्यान दे, क्या हम मसीह लोगों को गैर मसीह लोगों की तरह चांद, तारे, पशुओं, पक्षियों आदि की मूर्तियां या प्रतिमा या पेड़ घरों में रखने चाहिए? जब सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु के जन्मदिन में बदला तब भी लोग पेड़ों को सजाते थे, तभी से क्रिसमस ट्री को ईसाई धर्म का प्रतीक माना जाने लगा। परमेश्वर ने हमें पेड़ों को सजाने की आज्ञा नहीं दी। बाइबल में कहीं भी क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं बताया गया, तो क्या हम मूर्ति पूजकों के पेड़ को अपने घर और चर्चों में रखें और उन्हें सजाएं? परमेश्वर का वचन हमें क्रिसमस ट्री के विषय में कोई आज्ञा नहीं देता और ना ही बाइबल में क्रिसमस ट्री का जिक्र हुआ है। क्रिसमस ट्री का यीशु के जन्म से कोई संबंध नहीं है। क्रिसमस ट्री पुराने गैर ईसाइयों जो ईसाई नहीं थे, जो मूर्ति और पेड़ों की पूजा किया करते थे, उनकी आराधना के पेड़ को क्रिसमस ट्री में बदल दिया गया।
रोमियों की किताब 1:25 कहता है, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। बाइबल हमें क्रिसमस ट्री को सजाने व घरों में रखने की आज्ञा नहीं देती, तो हम इस पेड़ को घरों में ना रखें और ना सजाएं। असली का पेड़ हो या बाजारों का बना हुआ, यीशु और क्रिसमस ट्री का कोई संबंध नहीं है। क्या हम मूर्ति पूजकों की तरह पेड़ों को सजाएं या वो पेड़ घर में रखें? कभी नहीं। परमेश्वर कहता है 2 कुरिन्थियों 6:17 में, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्रिसमस ट्री ना ही बाइबल पर आधारित है, ना ही परमेश्वर द्वारा सजाने की आज्ञा है। ईसाई की किताब 2:8 कहता है, उनका देश मूरतों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से सवारा है दंडवत करते हैं। कुछ लोग कहेंगे, हम तो दंडवत नहीं करते। अच्छा जी, नहीं करते तो घरों में क्यों रखा है पेड़ को, क्यों सजाते हो? जो घरों में क्रिसमस ट्री रखते हैं उन पे मोहर लगा चुकी है दंडवत करने की। क्या मसीह लोगों को ऐसा करना चाहिए? सजाना है तो अपने आप को, अपने मन को सजाओ परमेश्वर की बातों और वचनों से। कुछ पास्टर भी है जो अपने फायदे और अपनी कमाई के लिए मसीह लोगों को झूठी शिक्षा देते हैं। बाइबल से कुछ पता नहीं होता, बातें ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे जैसे यीशु ने खुद उनसे कहा हो कि क्रिसमस मनाओ। ऐसे पास्टर से दूर रहो जो वचन के विरुद्ध शिक्षा दे। कुछ बड़े गर्व से कहते हैं, यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुआ। अरे भाई, बाइबल से साबित होता है कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं है, फिर भी लोगों को भरमाने में लगे हैं ऐसे पास्टर। वचन क्या कहता है ऐसे पास्टर्स के बारे में? कुलुसियों की किताब 2:8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तप्त ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना ओहेर शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह की नहीं। रोमियों की किताब 16:18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहकाते हैं। बाइबल के अनुसार हम मसीहों को क्रिसमस ट्री सजाने या घरों में रखने की आज्ञा नहीं है। ये तो मूर्ति पूजकों की तरह है कि पेड़ को सजाओ और घर में रखो। हमें बाइबल को मानना है, ना कि ऐसे लोगों और पास्टर की जो वचन से नहीं बोलते। परमेश्वर ने सबको समझ दी है सही और गलत में फैसला करने की। सोचना आपको है कि आप क्या करते हैं, सच मानते हैं या झूठ। परमेश्वर ऐसा करने वालों को दंड देगा। यिर्मयाह की किताब 14:10 कहता है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है, वह इनका अधर्म स्मरण रखेगा और उनके पापों का दंड देगा। जरा सांता क्लॉस पर गौर कीजिए। ये नाम सुनते ही हमारे मन में लाल रंग कपड़े पहने हुए एक हंसते मुस्कुराते व्यक्ति की तस्वीर बन जाती है, जिसकी सफेद दाढ़ी है और गुलाबी गाल है। सांता क्लॉस की ये तस्वीर सन 1931 में मशहूर हुई, जब कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने क्रिसमस के लिए विज्ञापन निकाले जिसमें सांता क्लॉस ने इस तरह की पोशाक पहनी थी। सन 1950 के दशक में ब्राजील के
कुछ लोगों ने उनके यहाँ की कथा कहानियों में बताए जाने वाले एक मशहूर शख्स ग्रैंडपा इंडियन को सेंटा क्लॉस की जगह देनी चाही, परंतु वे कामयाब नहीं हो पाए। कार्लोस ई फेंटिनेंटी नाम का एक जानकार बताता है कि सेंटा क्लॉस ने ना सिर्फ ग्रैंडपा इंडियन को पीछे छोड़ दिया, बल्कि यीशु से भी ज्यादा मशहूर हो गया और 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न की पहचान बन गया। तो जाहिर है सेंटा क्लॉस असल शख्स नहीं है। सेंटा क्लॉस के अलावा क्या क्रिसमस से जुड़े और भी रीति रिवाज है जिनका यीशु के जन्म से कोई ताल्लुक नहीं है? इसका जवाब जानने के लिए आज से करीब 2000 साल पहले हुई घटनाओं पर गौर करना चाहिए। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका नाम की किताब बताती है कि यीशु की मौत के करीब 200 साल बाद तक लोग यीशु का जन्मदिन मनाने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन क्यों? क्योंकि यीशु के शिष्यों का मानना था कि जन्मदिन मनाना एक ऐसा दस्तूर है जो गैर ईसाई धर्मों से निकला है और उन्हें इसे बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। दरअसल बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्म की तारीख नहीं दी गई है। हालांकि शुरू शुरू में मसीह जन्मदिन मनाने के सख्त खिलाफ थे, फिर भी यीशु की मौत के करीब 300 साल बाद कैथोलिक चर्च ने क्रिसमस मनाने की शुरुआत की। उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल उस जमाने में रोम के लोग दिसंबर के आखिरी हफ्तों में बहुत धूमधाम से अपने धार्मिक त्योहार मनाते थे। ये त्योहार और रोमी धर्म दोनों ही बहुत प्रचलित थे। अमेरिका में क्रिसमस अंग्रेजी नाम की किताब बताती है कि हर साल 17 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रोम के रहने वाले ज्यादातर लोग खाते पीते खेलते जश्न मनाते जुलूस निकालते और अपने देवी देवताओं की उपासना करने के लिए और भी कई तरीकों से मौज मस्ती करते रहते थे और 25 दिसंबर को वे सूर्या का जन्मदिन मनाते थे। लेकिन चर्च के लोग इन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसी दिन को यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने रोम के कई लोगों को सूर्य का जन्मदिन मनाने के बजाय यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए कायल कर लिया। इस बारे में सेंटा क्लॉस की जीवनी अंग्रेजी नाम की किताब कहती है कि इस तरह रोम के लोग दिसंबर में अपने त्योहार मनाते रह सकते थे, लेकिन सच तो ये था कि वे इस नए त्योहार को उसी तरह मना रहे थे जैसे वे पहले अपने त्योहार मनाते थे। इससे साफ होता है कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत गैर ईसाई धर्मों से हुई है। स्टीवन निसनबम नाम का एक लेखक कहता है कि ये असल में दूसरे धर्मों का त्योहार है जिसे ईसाई धर्म का जामा पहनाया गया है। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि इससे परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह की तो हीन होती है। इस बारे में बाइबल हमसे ये सवाल करती है, नेकी के साथ दुराचार का क्या मेल या रोशनी के साथ अंधेरे की क्या साझेदारी? क्रिसमस में इतनी सारी गलत परंपराएं और रस्म और रिवाज जुड़े हुए हैं कि इस त्योहार को कतई सही करार नहीं दिया जा सकता।